नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज जो है ये इंग्लिश का मेरा दूसरा क्लास है और आप लोग जो है पहला क्लास को ढंग से बढ़िया से जो है उसको कर लीजिएगा। उसमें भी 50 वर्ड था, इसमें भी 50 वर्ड है और इसके बाद वाला जो क्लास आएगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। उसके बाद जो है एक लेटर राइटिंग जो है साप्ताहिक और एक एसे राइटिंग लिखवाएंगे। तो सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए 2 महीने में जो है इंग्लिश यहाँ से कंप्लीट करा देंगे। जो भी लोग और भी लोग जो लेना चाहते हैं, जो अभी तक कोर्स मतलब परचेज नहीं किए हुए हैं, इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। तो ये जो लोग नहीं लिए हुए हैं वे ले लेंगे आपके, आपको जो है आगे के लिए, यानी कि जब तक सिविल कोर्ट का देखिए। और हम जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, एक्स्ट्रा वही जो मेन जो वर्ड है ना, जो वर्ड मीनिंग जहाँ से आता है एग्जाम्स में, वही वर्ड कराएंगे। मुश्किल से 1000 वर्ड कराएंगे केवल एंटो साइनो। उसके बाद 500 से 600 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, आइटम्स फ्रेज करा देंगे। उसके बाद डेली लेटर राइटिंग कराएंगे, प्रेसेज राइटिंग कराएंगे, लेटर राइटिंग साप्ताहिक कराएंगे, ठीक है, प्रेसेज राइटिंग ये सब। तो आपका 2 महीना में मोटा मोटी जो है इंग्लिश पूरा कवर कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में 80 से 85% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वे ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 7257250005616, ये व्हाट्सएप नंबर है और UPI का नंबर है। इस पे जो है आप शेयर करके 249 रुपये पेड करके और स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दीजिएगा। इसके थ्रू आपको पूरा नोट्स देंगे और जो क्लास है लिस्टेड वीडियो का उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो है कवर कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपको सिनोनिम्स है, जिसमें पहला है, इसमें पहला वर्ड है डियर, DEAR, डियर। डियर मीन्स दोस्तों एक प्यारा भी होता है और दूसरा एक महंगा भी होता है, ठीक है। महंगा भी होता है और डियर मीन्स प्यारा भी होता है। देखिए एंटो साइनो करने से एंटो साइनो भी होगा और प्लस में जो है मिस स्पेल्ड वर्ड जो आता है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स बताना है कि सिनोनिम्स आखिर होगा क्या, ठीक है। देखिए तो डियर मीन्स प्यारा भी होता है या महंगा होता है। यंग है, यंग मीन्स आपको क्या होता है, युवा होता है, यूथ, ठीक है। उसके बाद में बी नंबर है कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स क्या होता है, महंगा होता है। डियर भी महंगा होता है, कॉस्टली मीन्स भी महंगा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका बेस्ट एक्सप्रेस कॉस्टली हो जाएगा, COSTLY, कॉस्टली मीन्स महंगा के सेंस में होता है। क्लोज मीन्स होता है घनिष्ठ, ठीक, या बंद भी होता है, क्लोज मीन्स घनिष्ठ, घनिष्ठ भी होता है। ड्यू मीन्स होता है दे, मतलब किसी का बकाया आपके पास है तो उसको ड्यू भी बोल सकते हैं। आगे देखिए ये आपका हो गया पहला, ठीक, यानी कि डियर का सिनोनिम्स हो गया, बेस्ट एक्सप्रेस हो गया कॉस्टली, ठीक। उसके बाद में देखिए आगे अगला जो वर्ड है वो मिनिमम है, क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम देखिए, मिनिमम मीन्स क्या होता है, जो सबसे कम, मिनिमम मीन्स सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मिनिमम का स्पेलिंग क्या होगा, MINIMUM, मिनिमम मीन्स सबसे कम या सबसे न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद देखिए मिर्ज MEAGRE, मिर्ज मीन्स हो जाता है अल्प, क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है। मिनिमल मीन्स भी हो जाता है कम, ठीक है, इसका भी मतलब हो जाता है बहुत कम, क्या हो जाता है, बहुत कम, ठीक है। मिनिमम मीन्स सबसे कम होता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे मिर्ज मीन्स क्या अल्प होता है, मिनिमल मीन्स होता है बहुत कम, लिटिल मीन्स भी होता है क्या, थोड़ा, लेकिन यहाँ पे जब लोएस्ट का आएगा तो लोएस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे कम, ठीक है, यानी कि मिनिमम मीन्स भी सबसे कम होता है और लोएस्ट मीन्स भी क्या होता है, सबसे कम होता है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आप जब देखिएगा तो लगेगा कि सबका तो आंसर कम में कम है, सबका हिंदी तो कम में कम में हो रहा है, सबका सेंस कम ही कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस है। थोड़ा सा का क्या डिफरेंस है, देखिए मिनिमम मिस हो जाता है सबसे कम, वही लोएस्ट मिस भी क्या हो जाता है, सबसे कम, इसलिए ये लोएस्ट होगा, और ये लिटिल मिस क्या हो जाता है, थोड़ा, उस थोड़ा से भी और थोड़ा से भी कुछ कम हो सकता है,
मिनिमम में भी बहुत कम, यानी कितना बहुत कम उसका कोई पैमाना नहीं है, उससे भी कम हो सकता है। मिर्च अल्प होता है, अल्प मिस भी थोड़ा, यानी कि उससे भी कम हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोएस्ट लोएस्ट मिस सबसे कम, उससे नीचे नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेलीगेट। डेलीगेट मिस क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो देखिए पार्टिसिपेंट मीन्स क्या हो जाएगा, जो प्रतियोगी है, जो भाग लेने वाला है, उसको पार्टिसिपेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स भी हो जाता है क्या, डेलीगेट यानी कि प्रतिनिधि हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारत का कौन है, अभी तो नरेंद्र मोदी है, चाहे जो आपके जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका प्रतिनिधि एमएलए होगा या तो सांसद हो जाता है, तो उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि होता है। डेलीगेट DELEGATE, डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि। पार्टिसिपेंट PARTICIE, CIPANT, पार्टिसिपेंट मीन्स प्रतियोगी, प्रतियोगी जो भाग लेने वाला है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स भी क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा। REPRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव। आगे है मेंबर, मेंबर मीन्स सदस्य, जानते ही हैं। उसके बाद ऑफिसर मीन्स अधिकारी, आपको पता ही है। अब आगे देखिए इंडस्ट्रियस, अगला जो है चार नंबर है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व मीन्स होता है जो किसी के लिए एकदम रिजर्व किया हुआ है, सेव किया हुआ है कि वो उसी के लिए है। ठीक है, रिजर्व मीन्स आरक्षित, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आरक्षित, किसी के लिए आरक्षित। ठीक है, तो रिजर्व हो जाएगा इंडस्ट्रियस। दूसरा है क्लेवर, क्लेवर मीन्स आप लोग जानते होंगे चालाक होता है, चालाक। ठीक है, तीसरा है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाला, वही चीज है। इंडस्ट्रियस मीन्स भी होता है मेहनती, और हार्ड वर्किंग मीन्स भी होता है मेहनती। उसके बाद देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स जानते होंगे तेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, किसका, इंडस्ट्रियस का, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए आगे क्लोसस, क्लोसस मीन्स होता है बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है, क्लोसस मीन्स होता है बहुत बड़ा या विशाल। देखिए टॉल मीन्स हो जाता है लंबा, उसके बाद TALL, ह्यूज मीन्स भी हो जाता है, ह्यूज मीन्स भी हो जाता है बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, HUGE। लॉफ्टी मीन्स भी हो जाता है ऊंचा, टावरिंग मीन्स भी होता है क्या, ऊंचा। लॉफ्टी मीन्स भी होता है ऊंचा, टावरिंग मीन्स भी होता है क्या, ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। टावरिंग का स्पेलिंग देख लीजिए, TOWERING, क्लोसस COLOSUS, क्लोसस मीन्स भी विशाल। आप लोग सब जो है ना इसका हिंदी कॉपी पे लिखते चलिएगा, पेज पे आपके लिए फायदा रहेगा। आगे है देखिए अपोजिट वर्ड, अब आगे है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। देखिए तो रिजिड, रिजिड मीन्स क्या होता है, कड़ा, जो लचीला ना हो उसको रिजिड बोलेंगे, जो फ्लेक्सिबल ना हो, लचीला ना हो उसको रिजिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, यानी कि इसका ये अपोजिट वर्ड वर्ड हो जाएगा रिजिड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजिड, यानी कि इसको लचकहीन बोल सकते हैं, लचक, लचकहीन। ठीक है, लचकहीन रिजिड को। इजी मीन्स क्या होता है, आसान। ठीक, आगे है फैजिबल, फैजिबल मीन्स क्या हो जाता है, व्यवहारिक। फैजिकल, फैजिकल मीन्स हो जाता है व्यवहारिक, फैजिबल मीन्स हो जाता है व्यवहारिक। ठीक है, आगे है आर्टिफिशियल, फैजिबल का स्पेलिंग देख लीजिए, FESIBL, फैजिबल। आर्टिफिशियल मीन्स हो जाता है कृत्रिम, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम। आगे देखिए, आगे है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स होता है छिछला, मतलब कोई भी काम छिछले तरीके से करते हैं ना, आधा सीधा काम कर दिए, तो उसी को बोलते हैं छिछला। ठीक है,
सुपरफिशियल मिस हो जाता है छिछला, सैलो मिस भी हो जाता है आपको छिछला, सुपरफिशियल मिस छिछला, सैलो मिस भी क्या हो गया छिछला, रियल मिस क्या होता है, रियल मिस ओरिजिनल हो जाएगा यानी कि वास्तविक हो जाएगा, रियल मिस वास्तविक, ठीक। उसके बाद डीप मिस क्या होता है, गहरा, डीप मिस गहरा हो जाता है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा छिछला का, सुपरफिशियल का, वो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। आर्टिफिशियल मिस ऊपर में था ही, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है ओपाक्यू, ओपाक्यू मिस क्या होता है, अपारदर्शी, ओपाक्यू अपारदर्शी, ओपाक्यू मिस होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें मतलब आर पार दिखाई न दे, ओपाक्यू मिस अपारदर्शी, ठीक है। तो अपारदर्शी, अब देखिए आगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, दोनों साइड जो है मतलब इस पार से उस पार जो दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि उसको पारदर्शी बोलेंगे, ये हो जाएगा अपारदर्शी, ओपाक्यू, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, क्या हो जाएगा पारदर्शी, पारदर्शी। तो पारदर्शी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद देखिए कवर्ड, कवर्ड मीन्स क्या होता है, कवर्ड आपका जो हो जाएगा ढका हुआ हो जाएगा, कवर्ड यानी किसी चीज को कवर किया हुआ, ढका हुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ढका हुआ, ठीक है। आगे है क्लियर, क्लियर मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, क्लियर मीन्स हो जाता है अस्पष्ट। मिस्टी मीन्स होता है आपको कोहरा से घिरा हुआ, मिस्टी मीन्स कुहा से घिरा हुआ या कोहरा से घिरा हुआ, कोहरा जो मतलब ठंड के दिनों में देखते होंगे पूरा जो कोहरा सुबह में गिर जाता है, घिर जाता है कोहरा से, उसी को मिस्टी बोलते हैं, MISTY। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आगे है इसमें कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस में जानते होंगे आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस मिस हो जाता है आपका आत्मविश्वास। डिफिडेंस, डिफिडेंस मिस हो जाता है आत्मविश्वास की कमी, तो इसका अपोजिट वर्ड तो इसी जगह हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस का हो जाएगा अपोजिट डिफिडेंस, क्योंकि DIFFIDENCE, डिफिडेंस मिस आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस मिस आत्मविश्वास। देखिए आगे इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मिस हो जाता है उदासीनता, उदासीनता, पता है ना किसी किसी को पढ़ाई के प्रति उदासीनता हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे उदासीनता। उसके बाद अगला है इसमें कवाडिस, COWRDICE, क्वारडिस, क्वारडिस मिस होता है कायरता, कायरता, क्वारडिस मिस होता है आपको कायरता, क्या होता है कायरता, स्केयर, SCARE, स्केयर, स्केयर मिस हो जाता है आपका भय, स्केयर मिस भय। स्पेलिंग भी आपको करते चलना है ताकि मिस स्पेल्ड वर्ड आपको अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े, यहीं से हो जाए। आगे है इनसैनिटी, इनसैनिटी, इनसैनिटी मिस होता है पागलपन, पागलपन, इनसैनिटी, INSANITY, इनसैनिटी मिस होता है क्या पागलपन, इनसैनिटी मिस पागलपन हो जाता है, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सोबेरिटी, सोबेरिटी, SOBRIETY, सोबेरिटी मीन्स होता है आपका शालीनता, क्या होता है शालीनता, सोबेरिटी मीन्स होता है शालीनता। देखिए आगे होता है लुसिडिटी, लुसिडिटी मीन्स होता है अस्पष्टता, अस्पष्टता, ठीक है। लुसिडिटी, LUCIDITY, लुसिडिटी मीन्स होता है अस्पष्टता, ठीक। आगे है नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी मीन्स साधारण अवस्था, नॉर्मैलिटी मीन्स साधारण अवस्था, ठीक है, नॉर्मैलिटी मीन्स साधारण अवस्था। सैनिटी, सैनिटी मीन्स स्वस्थ रूप से, जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ हो उसको बोलते हैं सैनिटी, यानी कि मानसिक, मानसिक
स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता। तो देखिए पागलपन यानी कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं हो उसको इनसैनिटी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट सैनिटी हो जाएगा, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये आपका 50 वर्ड जो है कंप्लीट हुआ है, और ये आप इसको जो है ना लिख लीजिएगा, दोबारा तिबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। और एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हम 1000 वर्ड सिर्फ वर्ड कराएंगे, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास ठीक लग रहा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नहीं जुड़े हैं जरूर कोशिश करें जुड़ने का। धन्यवाद दोस्तों।